Very much. Sri Harivansh ji. धन्यवाद सभापति जी. जो आज रिटायर हो रहे हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं उनके सुखी जीवन के लिए और बेहतर स्वास्थ्य हो और जीवन में और बहुत कुछ सार्थक और सृजनात्मक करेंगे यह विश्वास है. जो चुनकर आए हैं लौट आए हैं उनका बहुत अभिनंदन. उनके अनुभव का लाभ समाज और देश को मिलेगा. खास तौर से मैं कुरियन साहब के बारे में कहना चाहूँगा. सर उनसे मैंने निजी जीवन में बहुत सीखा. अत्यंत विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में कैसे सदन को चलाया जा सकता है, समयबद्ध तरीके से चलाया जा सकता है, ये सब हम लोगों ने उनसे सीखा. और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अत्यंत विषम और जटिल परिस्थितियों में भी उन्होंने रास्ता निकाला. सर जब मैं इस हाउस में आया तो मुझे बड़ा आकर्षण था कि मैं वैसे डिबेट सुनूंगा जो इस हाउस के पुराने अतीत के पन्नों पर मैंने देखा. भूपेश गुप्त इस हाउस में थे, प्रोफेसर नूरुल हसन थे, एक से एक मैं नाम लूं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, चंद्रशेखर जी, वाजपेयी जी, प्रकाश वीर शास्त्री. पर जब इस हाउस में आया तो जब कभी मौका मिला और बेहतर डिबेट हुआ तो उसकी एक ध्वनि सुनने में मिली माननीय अरुण जी से. हमारे कहना चाहूँगा प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी जी में. कांग्रेस जिस बेहतर परंपरा के लिए जानी जाती थी देश में उसकी मर्यादित आवाज़ अगर आज भी सुनने को मिलती है तो उनमें मिलती है. वो तिक्त से तिक्त बातें कहते हैं मर्यादित रूप में. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राम गोपाल जी, सतीश मिश्रा जी, जयराम रमेश जी, इधर बहुत सारे लोग हैं. पर सर मैं आपकी पीड़ा पिछले कई दिनों से और इधर हाल में पिछले 3 सप्ताह से देख रहा हूँ और आपकी पीड़ा देखते हुए मुझे महाभारत के अंत का प्रसंग आजकल रोज याद आता है. जब वेद व्यास ने कहा महाभारत खत्म हो जाने पर अंतिम पंक्ति है कि मैं हाथ उठाकर कहता हूं कि धर्म क्या और अधर्म क्या है. और धर्म और अधर्म आज के संदर्भ में नहीं सर, कौन सा धर्म, कौन सा रिचुअल, नीति क्या है, अनीति क्या है. और कहा सब लोग जानते हैं पर उस पर आचरण नहीं होता, इसीलिए महाभारत हुआ. हम महाभारत होने के बाद भी सीखने को तैयार नहीं है. सर आज जो भी समस्या लेकर यहाँ परेशानी है, चाहे वो कावेरी की समस्या हो, राज्यों के स्पेशल स्टेटस की बात हो, या इस तरह के बैंकों की लूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहाँ चले गए सर, और ये लंबे समय से हो रही विकृति का परिणाम है जो सामने दिख रहा है. कम से कम उम्मीद की जाती है कि इन सवालों पर हम सब बैठ करके कॉन्शसनेस से रास्ता निकालें, तभी हम एल्डर्स की भूमिका में होंगे. सर अंत में मैं कहूँगा, कृष्ण ही महाभारत में कहा कि जिस हाउस में, जिस सदन में, जिस जगह राजा के यहाँ अगर एल्डर्स न हो तत्कालीन संदर्भ में, एल्डर्स का उनका मतलब अनुभवी और वृद्ध लोगों से नहीं था, अनुभवी लोग, वह समाज आगे नहीं जा सकता. यहाँ सारे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका लाभ मिले, सदन चले और सारी समस्याओं को मिलकर हम कॉन्सेंसस से निकालें कम से कम हल. यह आज हम लोग इस बात, इस संकल्प को लेकर लौटे. धन्यवाद. थैंक यू जी.